नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से डबल टू नंबर की हेल्प से हिरन का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको टू नंबर लिखना है बट उल्टा टू नंबर लिखना होगा। इधर से बढ़ाएंगे इस तरह, आप एक टू नंबर लिख दीजिएगा, एक यहाँ पर लिखना होगा, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए एक इधर लिखेंगे, थोड़ा छोटा लिखिएगा, इसको ध्यान से करिएगा। इधर से बढ़ाएंगे, एक यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ये वाला सिरा डबल करना होगा। इधर से डबल करिए पहले, यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए आप इधर बढ़ाएंगे। फिर दोस्तों, आपको यहाँ से एक और टू नंबर लिखना होगा, उल्टा टू नंबर। इधर से बढ़ाइए इसको, यहाँ से ऐसे बढ़ा दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसानी से बनाना सिखा देंगे। ये हमारा बैठा हुआ हिरन का चित्र बनेगा। इधर से नीचे की तरफ यहाँ पर हम बढ़ाएंगे, इसको इधर मिलाएंगे, नीचे की तरफ इसका आगे वाला लेग बनाइएगा। अब दोस्तों, आपको ऊपर के साइड से देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए इधर से बढ़ाएंगे, नीचे के साइड में मिला दीजिए, इतना छोड़ दीजिएगा। जस्ट इसी के आगे के सिरे से आपको एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करना होगा। एक लाइन इधर बढ़ाइए, इस लाइन की हेल्प से हम ऊपर के साइड में इधर ऐसे बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करिएगा। यहाँ से हम ऐसे डबल करेंगे, डबल करते हुए इसको इधर से अंदर की तरफ ले जाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा। हल्की सी लाइन और ऊपर की तरफ आपको करना होगा। यहाँ से इधर हम ऐसे बढ़ाएंगे, फिर इसको हल्का सा नीचे के साइड में करिए। इस साइड आपको इस हिरन का ईयर बना देना होगा, यहाँ से डबल कर दीजिएगा। एक ईयर आपको इधर भी ऐसे बनाना होगा। अब देखिएगा, ऊपर आपको बनाने हैं बड़ी बड़ी सींग दोस्तों। इधर से ऐसे करेंगे। और आपसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है सींग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर से डबल करेंगे, ये हो जाएगा। इधर बढ़ाइए, यहाँ से डबल करते हुए बढ़ा दीजिएगा। एक छोटा सा वी लेटर आई बना दीजिए, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लगा दीजिएगा। अब ध्यान से देखेंगे, जस्ट यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ आपको करना होगा। इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर हल्का सा ऊपर, फिर अंदर और आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ से इधर हल्का सा अंदर बाहर करेंगे और इसका टेल बना देंगे छोटा सा। इधर आपको इसे छोटे छोटे आसानी से सर्किल बनाना होगा। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हमारा हिरन का चित्र बनकर तैयार हो गया है। इधर आप ऐसे ग्रास बना दीजिएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आप चाहते हैं बगल में ट्री बनाना तो भी बना दीजिए। चलिए हम आपको बनाना सिखा देते हैं। इधर से बढ़ाइएगा, डबल करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, फिर नीचे, फिर आगे, फिर से डबल करिए और इधर ऐसे बढ़ाइएगा। यहाँ से आपको डबल करना होगा, ब्रांचेस बनाने होंगे ऊपर के साइड में। दोस्तों आप आसानी से डबल कर दीजिएगा। और अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर हम शॉर्ट्स वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। इधर से बढ़ाइए, यहाँ पर ऐसे मिला दीजिएगा, इस साइड में आपको ऐसे ग्रास बनाना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस बहुत ही खूबसूरत हिरन को कलर भी करना आसानी से सीख लेते हैं।